जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब घर पे से परिवार कुशल मंगल से होंगे। आज हम आए हैं अपने फार्म पे और ये सुपर नेपियर का प्लाट है और आज मैं इस वीडियो में एक समस्या भी है जिसको लेके आया हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये देखिए, ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका जो है फुटाव है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इधर देख रहे होंगे आप कितना कुछ बड़ा हो गया है ये, लेकिन जैसे मैं आगे चलूँगा तो यहाँ पे क्या है, ये जो जंगली पशु हैं आप देखिए, इधर गाय ने कम खाया तो कितना ज़बरदस्त है, और इधर ये सारा का सारा गाय ने खा के ख़त्म कर दिया है। तो इस तरह से ये किसानों की पीड़ा है, और अगर मेरी वीडियो आगे तक जाती है तो जो भी इस डिपार्टमेंट को देखते हैं, जो इस तरह से पशु ये इधर उधर घूमते हैं, ये किसानों को बर्बाद कर रहे हैं एक तरह से। ये देखिए पूरा प्लॉट जहाँ तक भी वीडियो में आ रहा है, ये सारा नष्ट हो चुका है। तो ये जो जंगली पशु हैं उन्होंने ख़त्म कर दिया है। अब ये एक पीड़ा है एक किसान की, वो क्या करे, इतनी लागत इतनी मेहनत के साथ में एक किसान जो है अपनी खेती को पालता है एक बच्चे की तरह से, और ये इस तरह से पशु जो है ख़त्म भी, देखिए कम से कम जो है हमारा एक एकड़ से ऊपर का खेत है और ये सारा नष्ट कर दिया। इधर आप देखिए, इधर अगर निगाह जाएगी तो इधर कुछ बचा है, अब क्या करें। तो इसके लिए क्या है, अगर बाड़ बनाई जाए तार वाली, कटीले तार वाली, तो उसमें फिर जो पशु हैं उनको कष्ट होता है, कई बार वो फंस जाते हैं, वो तार से उनको जख्म बन जाते हैं। तो ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि मानवता के नाते पशु है लेकिन उसमें भी तो जान है। तो मैंने तो भैया ये जो हैं इस तरह से ये रस्सी बंधवाई है, ये रस्सी है ये बंधवाई हैं, लेकिन ये भी स्थायी उपाय नहीं है, क्या करें, बहुत ही ये प्रॉब्लम है। ये देखिए जहाँ तक भी देखिए सारा खेत ये। तो इसके लिए जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जो इस डिपार्टमेंट को देखते हैं ऐसे पशुओं के लिए, जो भी प्रबंधन करते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर वहाँ तक वीडियो पहुँचती है। तो ये किसानों की पीड़ा को समझते हुए कुछ ठोस कदम उठाए जाएँ, क्योंकि आज की तारीख में खेती इसीलिए जो है किसान का मन दुखी होता है और वो करना नहीं चाहता है, क्योंकि हमारी जो फसल है ना उसमें प्राकृतिक आपदाएं इतनी है। अब आप समझिए कि जुताई है, खाद है, लेबर है, सब कुछ जोड़ दें, उसके बाद में ये फसल नष्ट हो गई है, बताइए भाई। सीधी बात है, बैंक को अगर किस्त ना दी जाए तो वो पेनल्टी लगा देता है, बच्चों की फीस ना भरी जाए तो फाइन लग जाता है, है? हम खाद बीज लेते हैं और कई बार पैसा नहीं होता तो लोन ले लेते हैं, लेकिन उस पर भी ब्याज देते हैं, उसके बावजूद किसान अपनी फसल को पालता है और फसल नष्ट हो जाए तो किसान वापस कहाँ से करेगा, कहाँ से बैंक की किस्त देगा, कहाँ से बच्चों को पालेगा। तो इस वीडियो में मैंने दिखाया आपको एक ही खेत है, और ये देखिए इधर गाय कम आई हैं, कितना ज़बरदस्त खेत लग रहा है, पूरा भरा हुआ है, ये देखिए। हालांकि इधर भी एक बार खाया है, लेकिन दूसरे नंबर पे हमने रस्सी वगैरह बंधवा दी थी तब तक, तो ये इधर बच गया, ये देखिए इधर कितना अच्छा है। और यही अगर उधर पहुंचते हैं दूसरी साइड में, यहीं से नज़र आने लगा खेत खाली है। तो सभी जो भी जिम्मेदार लोग हैं, मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ, किसानों के बारे में सोचा जाए, क्योंकि किसान इस तरह से तो खेती करना छोड़ देंगे, जब बहुत सारी समस्याएं और भी हैं। तो वीडियो को ज़्यादा बड़ी ना करते हुए आज मैं यही आया था, इधर बहुत मन दुखी हुआ खेत को देख के, ये देखिए।
तो ये वीडियो एक किसान की पीड़ा को दर्शाती है, एक किसान कितनी मेहनत से अपनी फसल तैयार करता है वो नष्ट हो जाती है। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे और इसमें किसान का दर्द आपको समझ आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपको कैसी लगी वीडियो, किसान का दर्द क्या है वो अगर समझ में आता है तो कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।